दोस्तों अब हम इस पीवीसी पाइप को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसको करेंगे वाशर देंगे। ये जो डंबल बनकर रेडी होगा ये 6 kg के अप्रॉक्स में होगा, क्योंकि इसका वजन 3 kg होगा। अब हम इस पर वाशर देकर इसको अच्छे से नट कर देंगे। ये देखिए हमारा डंबल बन गया। इसके बीच जो ये गैप है, इसी गैप को भरने के लिए हमने इसमें सीमेंट का यूज किया। सीमेंट का यूज किए तो ये देखिए इस टाइप का बन गया। इसमें हमने 1, 2, 3, 4 पिनियन का यूज किया है, और जबकि इसमें 2 का ही यूज किया। ये 6 kg का, ये 10 kg का। अगर इसमें सीमेंट हम भर दें इसके बीच में तो इसका वजन और बढ़ जाएगा। दोस्तों जब हमने ये डंबल बनाया तो ये वर्कआउट लगा कर भी देखा था। ये जो लड़बड़ कर रहा है, इस बोल्ट नट को टाइट कर देंगे अच्छे से तो ये नहीं करेगा। आप लोग बनाइएगा तो इसे अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। अब हम वर्कआउट लगा कर दिखाते। ये अभी भी अच्छा है, मजबूत है काफ़ी, ये गिरेगा नहीं क्योंकि ये नट टाइट है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो एक लाइक करें, और इस तरह जिम से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। फॉलो बटन नीचे है। यूट्यूब से देख रहे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारबल के बारे में बात करेंगे। इस बारबल को हमने कैसे बनाया है और कितना खर्च लगा है इसमें, ये सब हम बात करेंगे। इस डंबल को बनाने में कितना खर्च लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।